अस्सलाम वालेकुम क्लास, आज हमने अपने एडिशन के टॉपिक में करना है मेकिंग 10। जी, आज हमने डबल डिजिट नहीं करना बल्कि सिंगल डिजिट ही करना है। लेकिन हमारा आंसर देखते हैं कि सिंगल में आता है या डबल में आता है, क्योंकि हमने बनाना है 10। तो अब ये देखें, नंबर्स देखें कि 7 + 3 वंस के कॉलम में हैं। 7 + 3, जब हम इन 7 को और 3 को ऐड अप करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 10। जी, हमारे पास आता है आंसर 10। और अब हमने यहाँ पर नीचे लिखना है आंसर बॉक्स में 10। जी बच्चों, ये देखिए हमने लिख दिया 10। ओ, ये तो शायद रॉन्ग हो गया। क्यों? क्योंकि हमने एक कॉलम में एक ही नंबर लिखना है, वंस के कॉलम में वन ही डिजिट लिखना है और वन डिजिट लिखना है हमने टेंस के कॉलम में। अगर हम अपने वंस के कॉलम में दो डिजिट लिख देंगे तो ये हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। हमने क्या करना है कि अपने राइट साइड के कॉलम में राइट साइड का नंबर लिख देना है, राइट साइड वाला डिजिट लिख देना है और अपना लेफ्ट साइड वाला डिजिट लेकर जाना है हमने लेफ्ट साइड वाले कॉलम में। इसको हम अभी ठीक करते हैं। जी बच्चों, हमारा आंसर था 10 और हमने अपने इस वंस के कॉलम में राइट साइड वाले कॉलम में जो लिखना है वो है 0, और टेंस का जो 10 है, 10 का जो 1 है उसको हमने अपने टेंस वाले कॉलम में लेकर जाना है, यहाँ पर लिखना है। जी ये देखें, ऐसे लिखना है हमने 7 + 3 makes 10। ये सिंगल डिजिट्स की एडिशन है लेकिन इसका आंसर हमारे पास डबल डिजिट में आ गया है। तो हमने डबल डिजिट को कैसे लिखना है, एक कॉलम के नीचे सिंगल डिजिट ही लिखना है और दूसरा डिजिट हमने लिखना है, शिफ्ट कर देना है अपने दूसरे कॉलम में। इसी तरीके से हमने जितने भी ऐसे क्वेश्चंस हम करेंगे जिनके आंसर हमारे पास डबल डिजिट में आ जाएंगे तो हम वो एक ही कॉलम के नीचे डबल डिजिट नहीं लिखेंगे बल्कि हम उसको कन्वर्ट कर देंगे अपने दूसरे कॉलम की तरफ। अब हम अपना दूसरा क्वेश्चन करते हैं। इधर है 5 + 5, तो 5 + 5 makes 10 और 10 में हमने अगेन यही करना है कि 10 के 0 को हमने राइट साइड वाले कॉलम में लिखना है और 10 के 1 को हमने लेफ्ट साइड वाले कॉलम में लिखना है, इस तरीके से। और ये हमारे पास अब आ गया 10, 5 + 5 makes 10। जी, और ऐसे ही हमने बाकी सारे क्वेश्चंस करने हैं, 4 + 6 makes 10, 9 + 1 makes 10 एंड इसी तरीके से आपके बाकी सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। बच्चों, अब हम करेंगे अपना होमवर्क का क्वेश्चन। और हमारे पास होमवर्क के क्वेश्चन में हमें गिवन है 4 + 6, तो 4 + 6 को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 10। तो 10 का हमने वंस के कॉलम में राइट साइड वाले कॉलम में हमने अगर हम ऐसे लिख देंगे तो ये हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। हमने वंस के कॉलम में एक ही डिजिट लिखना है, हमने राइट साइड वाले कॉलम में राइट साइड वाला डिजिट लिखना है और 10 का राइट साइड वाला डिजिट है 0, हमने यहाँ पर 0 लिखना है और हमने अपना 1 इधर शिफ्ट कर देना है टेंस के कॉलम में, इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन ठीक हो जाएगा।